बिहार का सिवान जिला वुहान हो चुका है और उसके बाद से सिवान जिले में जिस तरह से 29 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हुए हैं उसके बाद से प्रशासन हरकत में आई हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एटीएन लाइव की टीम पूरी तरह से तैयार होकर के और पंजवार के लिए निकल पड़ी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंजवार का यह ब्लॉक है जहां पे अधिकारियों द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पे, और पंजवार गांव की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पंजवार गांव में चारों तरफ के इलाके को सील कर दिया गया है। और यह आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे सिर्फ एटीएन लाइव पे। आपको बताते चले कि शुरू से एटीएन लाइव आपको जगह जगह से आपको दिखाया कि सिवान में कितने पॉजिटिव मरीज मिले, कहां कहां मिले और किस तरह से मिले, कितने क्वारंटाइन सेंटर यहां पर हैं, कितने आइसोलेशन सेंटर बने हुए हैं। और ऐसे में हमने आपको अधिकारियों से भी बात करते हुए पूरे इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के भी उपाय बताए। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार गाँव की, जहाँ से एक ही परिवार के 23 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद से बिहार सरकार भी हरकत में आई हुई है। पूरे उस इलाके को ड्रोन कैमरे से निगरानी कराया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकल सके। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप एटीएन लाइव पे देख रहे हैं कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और वहाँ पे सारण के कमिश्नर जो है वो और DIG सारण के, सिवान के DM और SP तमाम अधिकारी वहाँ पर कैंप कर लिए हैं। ये भी आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रही है। यही वो पंजवार गांव है जहां पर इस गांव को सील किया गया है और NDRF की पूरी टीम है, तमाम पदाधिकारी आप देख सकते हैं यहां पे मौजूद हैं। जो सफ़ेद शर्ट में दिखाई दे रहे हैं वो सारण के कमिश्नर हैं और बगल में सारण प्रक्षेत्र के DIG विजय कुमार वर्मा हैं, उसके बाद से सिवान के SP अभिनव कुमार हैं, DM अमित कुमार पांडे के साथ सिवान के SDM संजीव कुमार, तमाम आला अधिकारी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। क्योंकि सबसे हॉट स्पॉट इलाका कहा जाए तो बिहार का सिवान है, और सिवान जिले में सबसे हॉट स्पॉट अगर कहा जाए तो रघुनाथपुर ब्लॉक का पंजवार गांव है जहाँ पे एक ही परिवार के 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पंजवार गाँव की, किस तरह से एरिए को सील कर दिया गया है, चारों तरफ से कहीं से भी कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। और जैसे कि DIG जो आए हुए थे सारण के विजय कुमार वर्मा, उनसे बातचीत भी हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे सभी थाने को निर्देश भी दिया था कि जो भी थाने की सीमा है उसे सील कर दी जाए। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया भी किस तरह से सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे मीडिया को संबोधित किए, क्या कुछ यहाँ से अपडेट थी सिवान की वो मीडिया के सामने रखा, और उसके बाद से ये हम पंजवार गाँव की आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहुंचना जान जोखिम में डाल करके जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भी हम अपने चैनल के माध्यम से एटीएन लाइव के दर्शकों को वहां की तस्वीर दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि किस तरह से पंजवार गांव को सील कर दिया गया है, चारों तरफ से उस एरिए को सील कर दिया गया है। और स्वयं सारण के जो कमिश्नर हैं, सिवान के DM हैं, SP हैं, तमाम ये लोग आकर के और DIG हैं, ये लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ी बात है जिस तरह से सिवान अब धीरे धीरे वुहान बन गया है और देश में बिहार की चर्चा हो रही है तो सिवान जाहिर तौर पे सबसे नंबर वन पे चर्चा उसकी हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बिहार की अगर बात करें तो सिवान जिला है जहां पे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है सबसे ज़्यादा यहां पे पाए गए हैं। अब तक जो अपडेट खबरें जो आ रही हैं कि 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरे सिवान ज़िले में मिले हुए हैं। और उसके बाद से आपको बता दें कि जिस तरह से अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लगभग 124 या 25 की संख्या में पंजवार के लोगों को क्वारंटीन सेंटर सिवान ला करके और जगह जगह जहां भी क्वारंटीन बने हैं वहां रखा गया है। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक अस्पताल में जो DAV मोड़ पे है वहां पे आइसोलेशन केंद्र सह ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अधिकारी जो है काफ़ी चौकस हैं। DM का यह साफ तौर पर कहना है कि इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए अब पूरे इलाके को सील करा दिया गया है ताकि एक जगह से लोग दूसरे जगह न जाएं। और आपको यह भी बता दें कि पूरे अब इलाके को ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ATN लाइव पर कि पंजवार गाँव में किस तरह से NDRF की टीम और सारण प्रक्षेत्र के जो कमिश्नर हैं, सारण के जो DIG हैं, सिवान के DM हैं, ये तमाम लोग पहुँच करके
और वहां पर कैंप कर रहे हैं। उसके बाद से एनडीआरएफ के जो एएसआई हैं राठौर, उनका क्या कुछ, कितनी टीम के साथ और किस गांव में लगे हुए हैं? जी, अभी वर्तमान में हम लोग पंजवार जो गांव है, जो कि आज के डेट में सबसे यहाँ हॉट स्पॉट बन चुका है, वहाँ पर हमारी टोटल दो टीम है, दो सब टीम वो कार्य कर रही है और सैनिटाइजेशन का काम जैसे आज देख पा रहे हैं वो कार्रवाई हो रही है। तो कितने यहाँ पे अब तक पाए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आपकी टीम कैसे काम कर रही है? देखिए, सुरक्षा का जो है वो इशू हमारा नहीं है, सुरक्षा के इशू के लिए बहुत सारे और अदर जो एजेंसी है वो लगा हुआ है। हम जिला प्रशासन के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं, जो कार्य हमको दिया जा रहा है, जैसे कि हमको मेडिकल टीम को असिस्ट करने के लिए अगर बोला जा रहा है तो हमको असिस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करने में, डोर टू डोर सर्वे करने में, और चूंकि आज हमको जो कार्रवाई मिली है उसमें हमको एरिया को सैनिटाइजेशन करने का काम मिला है तो हम वो एरिया का सैनिटाइजेशन आज कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग वहाँ मरीज के जो पॉजिटिव मिल रहे हैं उन तक किस तरह से आप पहुँच रहे हैं, कितनी सुरक्षा को लेकर के आप लोग अपने आप को रखते हैं? जी, हम लोगों का प्रॉपर जो पीपी है हम उसको यूज़ करते हैं और लोगों को भी यही कहते हैं कि जब भी आप किसी के साथ में रहते हैं या अपने घर में भी रहते हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग प्लस जो पीपी है, खासकर मास्क जो है, उसको लगा के रखना है। बाकी हम लोग अपना प्रॉपर पीपी पहन कर ही प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे, अभी फिलहाल आपसे बातचीत हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश वो लोग दिए हैं? उनके अनुसार यही बोला गया है कि क्या कौन कौन से लोग आए थे यहाँ? यहाँ पर कमिश्नर जो सारण आए हुए थे, डीएम सिवान आए हुए थे, डीआईजी सर थे और अन्य पदाधिकारी थे। उनके द्वारा यही बोला गया है कि चूँकि ये गांव में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो इस गांव को अच्छे से फोकस करके रखना है और सैनिटाइजेशन का काम में और तेजी और दुरुस्ती करना। शुभ नाम बता दीजिए और क्या है वो बता दीजिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार राठौर, 9 NDRF पटना।